300 ग्राम इमली और इसमें हम खौलता हुआ पानी डालेंगे और इसे ढक करके इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इससे सॉल्ट वाली चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर जो पानी है वो एकदम बॉईल हो गई है, तो यहाँ पे मैं गैस को बंद करूँगी और ये जो पानी है इसे मैं इमली में डाल दूँगी। इमली को बिल्कुल पानी में डुबो देना है आपको, इतना पानी काफ़ी है। इसी में जो हमारी इमली है वो अच्छे से फूल जाएगी और इसे हम लीड लगा करके ढक देंगे। तो यहाँ पर ये जो इमली को मैं सोख करके रखी हूँ इसे मैं पहले मैश कर लूँगी। तो पहले मैं मेरी इमली को बॉईल करके रखी है और ये है 250 ग्राम गुड़ और ये थोड़े से मगज दाने हैं और ये थोड़ी सी किशमिश है और ये 250 ग्राम हमारी 300 ग्राम ये इमली थी हमारी। सारे गुड़ को एक एक करके इसमें डाल देंगे और ये किशमिश को भी डाल देंगे और ये मखाने को भी और ये इस तरह से इसमें मेल्ट होंगे। तो देख सकते हैं ये है हाफ कप इसमें हम चीनी को ऐड कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से इमली का गूदा अभी भी कुछ कुछ बचे हुए हैं, तो इससे मैं और रेसिपी बनाऊंगी तो शेयर जरूर करूंगी। और ये इमली के बीज मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसलिए नहीं पीसी क्योंकि इसमें मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसलिए नहीं पीसी क्योंकि इसमें बीज वगैरह थे, ये रेसे वगैरह सब कुछ पीस जाते हैं। तो कुछ तो मैं सोच रही हूँ कि गोलगप्पे बनाऊँ और क्या क्या बनाती हूँ मैं बताऊँगी आपसे। तो इस तरह से मैं प्लास्टिक के डब्बे में फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि लोहे वाले टिफ़िन वगैरह में रखने से क्या है कि वो फट जाते हैं, क्योंकि मैं एक दो बार रखी हूँ खट्टी चीज़, जिससे कि टिफ़िन जो है मतलब क्रैक कर गई है साइड से। तो लिड लगा के मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ पर मैं ये खाने वाले स्पून से इस तरह से 1 टेबल स्पून से ये कम ही है साबुत जीरा ये डालूंगी और ये है सौंफ, तो सौंफ को भी मैं थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून किया रहा हूँ और इसे मैं भून लूँगी और भूनने के बाद मैं हल्का सा दरदरा कूट लूँगी इसे और थोड़े से साबुत सौंफ को डाल रही हूँ जो कि बिल्कुल 1/4 टीस्पून के अराउंड होगी और साबुत जीरा भी मैं थोड़ा सा ही इसमें साबुत जीरा नहीं डालूंगी सॉरी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सौंफ और जीरा को भून लूँगी और इसे भी मिक्स कर दूँगी। चटनी को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। तो इस तरह से हमें इसे भुनना है, इसे 1.5 मिनट भी अच्छा सा कलर चेंज हो जाएगा। इसे भुनने के बाद फिर मैं इसे दरदरा से कूट लूँगी। आप देख सकते हैं कि ये भुन चुका है, गैस का फ्लेम बंद करेंगे, ये गर्म है तो मैं हल्के हल्के से इस तरह से इसे मिक्स कर दूँगी जिससे कि और ज़्यादा ये ना जले अगर कलर में चेंज हो। इस तरह से ये है स्वादानुसार नमक 1/2 टेबल स्पून के अराउंड में इसमें ऐड करूंगी और ये काला नमक जो कि ये भी काला नमक ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून के अराउंड और इसी में मैं थोड़ी सी हल्दी को ऐड करूंगी और ये है रेड चिली कलर वाली जो कि होगी 1/2 टेबल स्पून के अराउंड और ये है 1 टेबल स्पून से कम धनिया पाउडर और ये है 1/2 टेबल स्पून से कम काला नमक। तो इस तरह से मिक्स कर देंगे अच्छे से फिर इसमें ऐड। तो
इस तरह से मैं सारे मसाले को इसमें पहले थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा सा मैं इतना रख दिया हूँ, और इसे मिक्स कर दूंगी और इसे मैं थिक होने दूंगी चटनी को। तो यहाँ पर है ये अराउंड हाफ टेबल स्पून के मैं अदरक का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और ये आमचूर क्योंकि ये भी हाफ टेबल स्पून के अराउंड है, ये छोटी चम्मच है, इसे भी हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लेम को मैं हाई कर दी हूँ, और बस इसका जो हमें कंसिस्टेंसी है उसे हमें गाढ़ा करना है, तो ये बस खोल रही है अच्छे से गाढ़ी हो जाए, मैं इसे मिक्स करती रहूँगी, इसे छोड़ना नहीं है नहीं तो ये गिर जाएगी उफन के, बस इसे मिक्स करते रहें। ठंडी होने के बाद इसे जार में आप रख लें, कोई भी सूखा जार हो, जब ठंडी हो जाएगी तो फ्रिज में आप महीनों डेढ़ महीने तक भी आप इसे रख सकते हैं। तो देख सकते हैं जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है, और ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी इस तरह से, ये स्पून पे आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी है, तो इसे इस तरह से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी गाढ़ी है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसे अभी हम इसका जो गैस का फ्लेम है मैं बंद कर दे रही हूँ, अभी ठंडी होगी और ये गाढ़ी हो जाएगी, फिर मैं दिखाती हूँ कि कितनी गाढ़ी हुई है जब मैं इसे जार में पोर करूँगी। तो ये इमली की चटनी कैसी बनी है बताइएगा ज़रूर, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो ये इमली की चटनी है जो है बन चुकी है, तो इसे मैं अब जार में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, और ये आप 1 से 1.5 महीने तक आप इसे अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, इसे आप दही बड़े में डालिए या किसी तरह की भी चाट में डाल सकते हैं।